इंडिया बनाम बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए भारतीय प्लेइंग 11 जान लेते हैं क्या होने वाली है। इससे पहले मैं आपको प्लेइंग 15 बताऊंगा कि क्या प्लेइंग 15 चुनी गई है। इसमें सबसे पहले रोहित शर्मा को चुना गया है, कप्तान है, कप्तान ही रहेंगे। इनके साथ ओपनिंग करने वाले हैं यशस्वी जायसवाल, जो कि अभी दिलीप ट्रॉफी में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसका मतलब टीम का दिलीप ट्रॉफी से कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब इंग्लैंड की सीरीज और उससे पीछे की सीरीज देखी जाए तो यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। इसके बाद शुभमन गिल का नंबर आता है, शुभमन गिल भी बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे अभी इस मैच में, एक मैच हुआ था उसमें, लेकिन इस मैच से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन मैचों से कुछ भी मतलब नहीं है। यदि इतना अधिक मतलब होता तो मुशीर खान को भी चुन लिया जाता। और इसके बाद मैं बताऊँ भाई कि शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले समय में, लेकिन देखना ये होगा कि इस सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज काफ़ी अहम होने वाली है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन के हिसाब से। इसके बाद आते हैं विराट कोहली, जो विराट कोहली पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है, कोई भी संदेह नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कभी भी रन बना सकते हैं और इतने अच्छे रन बना सकते हैं कि बहुत अच्छे। लेकिन इसके बाद मैं बताऊँ विराट कोहली के बाद आते हैं सरफराज खान, सरफराज खान को भी टीम में चुना गया है। सरफराज खान काफ़ी अच्छे समय से भारत के लिए कुछ सही कर रही है, लेकिन इनके साथ एक और चीज़ है जिसके ये दबाव नहीं आने देते हैं, जैसे कि मान के चलो कि 100 रन के अंदर ही 4-5 विकेट गिर जाएं तो ये सरफराज खान ये नहीं कि बहुत ही स्लो खेलना चालू कर दें या दबाव आने के कारण अपनी विकेट खो दें, नहीं, ये अपनी जैसे मूड होता है वैसे ही खेलते हैं। तेज खेलने वाली स्पीड है इनकी, जैसे मान के चलो 35 गेंदों में 30 रन 25 रन ऐसे खेलते हैं। और इसके बाद मैं बताऊँ सरफराज खान पिछले समय में जो थोड़े बहुत भी मौके दिए गए हैं उनको बिल्कुल अच्छे खास तरीके से बनाया है, और आगे जो मौके दिए जा रहे हैं इन मौक़ों में देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं या नहीं। और इसके बाद ऑलराउंडरों की बात की जाए तो भाई ऑलराउंडरों में बदलाव करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी और बदलाव हुआ भी नहीं है, केवल एक बदलाव हुआ है जो कि अक्षर पटेल आ चुके हैं, इसमें रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है। लेकिन रविंद्र जडेजा ने भाई साहब इस टाइम पर नंबर एक के ऑलराउंडर हैं, भारत नहीं वर्ल्ड के टेस्ट में नंबर एक के ऑलराउंडर हैं, जो कि इन पर कोई संदेह नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हर मैच में विकेट निकाल के देते हैं और हर मैच में रन बनाते हैं, रन भी काफ़ी अच्छे बना लेते हैं ये, बैटिंग भी देखा जाए तो ये पूरी बल्लेबाज हैं देखा जाए तो। इसके इनकी और इनका पूरी तरीके से बैकअप रहता है हमेशा भारतीय टीम के पास अक्षर पटेल के रूप में इन स्पिनर का रविंद्र जडेजा का बैकअप रहता है। क्या देखना ये होगा कि चेन्नई में मैच खेला जाना है पहला, लेकिन देखना ये होगा कि इस मैच में काफ़ी कुछ स्पिन पर निर्भर करेगा मैच, क्योंकि स्पिनर काफ़ी अच्छे विकेट लेने वाले हैं इस पिच पर, लेकिन इसमें कम से कम तीन स्पिनर तो खिलाए जाने हैं, जो कि रविंद्र जडेजा एक नाम तो तय है, लेकिन अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन में तो क्या एक नाम लिया जाता है, हो सकता है रविचंद्रन अश्विन को लिया जाए और कुलदीप यादव को भी लिया जाए, क्योंकि कुलदीप यादव के ऊपर अक्षर पटेल को भी तरजीह दी जा सकती है। इसके बाद मैं बताऊं भाई रविचंद्रन अश्विन जो कि काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग में तो उनका नाम है ही, लेकिन श्रीलंका बांग्लादेशी बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इसके बाद कीपरों की बात की जाए तो के एल राहुल को काफ़ी समय बाद मौका मिला है, जो कि इस मौके को वो किसी भी हालत में बनाना चाहेंगे। और इसके बाद ध्रुव जुरेल को भी ज़्यादा मौके मिले नहीं हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने जो दिलीप ट्रॉफी हुई थी इसमें कोई खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया था, हालांकि कीपिंग भी बहुत अच्छी की थी, लेकिन कीपर भारत को कीपर के साथ साथ एक अच्छा बल्लेबाज भी चाहिए, जो कि ऋषभ पंत बखुआ ये काम टेस्ट में पिछले समय से करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद बॉलिंग में देखा जाए तो बॉलिंग में कुलदीप यादव पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि कुलदीप यादव भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और इनके बाद आते हैं मोहम्मद सिराज को भी टीम में रखा गया है, मुझे नहीं पता है कि मोहम्मद सिराज को क्यों रखा गया है, क्योंकि मोहम्मद सिराज भी काफ़ी लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, चाहे वो 20 हो, चाहे वो ODI हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि दूसरे के सहारे जैसे जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी के सहारे से
इनको विकेट मिल जाता है। इसके बाद मैं बताता हूँ, इसके बाद आते हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, ना ही कोई दो राय हैं। और इसमें हो सकता है जसप्रीत बुमराह ही बांग्लादेश की टीम के 11-12 विकेट निकाल दें, देखना ये होगा। लेकिन क्या जसप्रीत बुमराह के साथ इस मैच में आकाशदीप को मौका दिया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मौका दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही मोहम्मद सिराज हैं वैसे ही आकाशदीप हैं, क्योंकि आकाशदीप को भी मौका दिया जाना चाहिए। और काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं आकाशदीप, काफ़ी अच्छा कुछ कर लेते हैं आकाशदीप, क्योंकि भाई ये फास्टरों पर भी छक्के उस हिसाब से लगा देते हैं जिस हिसाब से रोहित शर्मा लगाते हैं। इसके बाद बात करता हूँ यश दयाल की। भाई यश दयाल वही हैं जो रिंकू सिंह ने इन पर पांच छक्के लगा दिए थे, उसके बाद तो इनको ऐसा लगा ही था कि भारतीय टीम में अब रिंकू सिंह इनकी जगह नहीं बनने देने वाले हैं, क्योंकि भाई किसी भी बॉलर के ऊपर लगातार पांच छक्के लगने के बाद वापसी करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी से प्रभावित किया है, जब भी तो इनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन देखना ये होगा क्या मैच में भी इनका सिलेक्शन हो पाता है या फिर नहीं। इसके बाद में होता हूँ, चलिए जान लेते हैं क्या होने वाली है प्लेइंग 15। इसमें रोहित शर्मा, जसप्रीत जायसवाल खेलने वाले, शुभमन गिल, विराट कोहली, लेकिन सरफराज खान और ध्रुव जुरेल और केएल राहुल में से केवल एक बल्लेबाज खेलेगा। इसके बाद ऋषभ पंत का नंबर तय है, ऋषभ पंत के बाद रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और इसके बाद जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप को मौका दिया जाएगा। ये होगी भारत की प्लेइंग 11, जो कि इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि बांग्लादेश को तीसरे दिन से चौथे दिन तक नहीं पहुँचने देगी। और मैं बताऊं आपको, इसमें बांग्लादेश भारत पहले खेलती है तो लगभग 600 के आसपास रन देकर के इसको फुल ऑन खिलाने वाली है क्योंकि। और इसके बाद मैं बताऊं भाई, इसके बाद बात करते हैं इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के तीसरे टेस्ट मैच के बारे में, क्योंकि जो कि श्रीलंका की टीम काफ़ी ज़्यादा भारी नज़र आई है इंग्लैंड की टीम पर, और इस मैच को आसानी से जीत लिया है श्रीलंका की टीम ने। ये बहुत ही लंबे समय के बाद ये कारनामा हासिल कर पाई है श्रीलंका की टीम। यदि ये थोड़ा और टाइम और मिल जाता पहले मैच में तो ये कारनामा पहले भी कर सकती थी। लेकिन मैं बता दूँ विस्तार से स्कोर क्या हुआ है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 325 रन बनाए, दूसरी पारी में मात्र 156 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसमें बेंड और ओली पोप का शानदार प्रदर्शन आया। ओली पोप ने 154 रन बनाए, दूसरी पारी में फ्लॉप हो गए, और बेन डकेट ने पहली पारी में 86, दूसरी में फ्लॉप। इसके बाद देख लेते हैं, चलिए श्रीलंका की गेंदबाजी। इसमें एम राजशेखर ने पहली पारी में 3 विकेट लिए, दूसरी पारी में 1 विकेट लिया, लेकिन इसके बाद धनंजय डिसिल्वा ने 2 विकेट लिए और लाहिरू कुमारा ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, कहीं ना कहीं जीत का श्रेय इनको भी जाता है, क्योंकि पहली पारी में 2 विकेट लिए और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए। और इसके बाद देखते हैं वी फर्मांडो ने पहली पारी में 2 विकेट, दूसरी पारी में 3 विकेट लिए थे। इसके बाद चलिए श्रीलंका की बैटिंग के ऊपर आते हैं। श्रीलंका की टीम शुरुआत में काफ़ी पहली पारी में नाखुश की थी, क्योंकि 211 रन पर पहले इन्होंने 5 विकेट गिरा लिए थे, जब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इस मैच को बहुत ही आसानी के साथ जीतने वाली है और बढ़त ले लेगी इससे। लेकिन क्या हुआ, मात्र 268 रनों पर ऑल आउट हो गई, 263 रनों पर ऑल आउट हो गई। लेकिन जब दोबारा से खेलने आई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया इस टीम ने, जो कि कुशल मेंडिस शुरू में जल्दी आ गई और काफ़ी अच्छी तरीके से छोर को संभाला और मैच को फाइनल तक लेकर गई और अंत में जाकर के आउट हो गई, लेकिन मैच को जीत तक पहुंचा गए थे। इसके बाद पी निशांका ने इतना ज़्यादा शोर सर्राटा मचा दिया इस मैच में, क्योंकि पहली पारी में 64 रन बना